visual lighting spectacle you will ever witness. Houston, Atlanta, New Jersey, Chicago, Dallas, San Francisco, Los Angeles. Junoon Tour begins October 12th through October 27, 2019. We are ready to give you an ecstatic night of fun. Buy your tickets now. Online, Hangama City or Ticketmaster. For national sponsorship or to book your show, call Rehan Siddiqui, 713-545-4115. पाकिस्तान के हरदिल अजीज रॉक बैंड जुनून ने बरतानिया में कामयाब कॉन्सर्ट के बाद अमेरिका में अपने मद्दाहों के लिए कॉन्सर्ट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वेम्बली अरीना के बहुत ही कामयाब शो के बाद जुनून जो है वो अब इंशाल्लाह अक्टूबर में पूरे नॉर्थ अमेरिका में शोज हमारे प्लान्ड हैं। जियो हमारे मीडिया पार्टनर हैं और रेहान सिद्दीकी हमारे नेशनल प्रमोटर हैं। जुनून बैंड के मायानाज गुरुदास रमान अहमद का कहना है कि ये कॉन्सर्ट अमन का पैगाम आम करने का भी जरिया बनते हैं। ये जुनून के कॉन्सर्ट जो है ये मौका देते हैं कि पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर जो है उसको एक प्लेटफॉर्म मिले और हमारी कोशिश यही है कि लोगों को ना एक पैगाम अमन का पैगाम दें। एक के बाद दूसरा सुपर हिट गीत गाने वाले जुनून के गुलकारों को बड़ा हिरास सुनने के लिए अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी शिद्दत से मुंतजर है। जुनून कॉन्सर्ट के अमेरिका में प्रमोटर्स को तवक्को है कि बरतानिया से कहीं ज्यादा लोग जियो टेलीविजन के तावन से जो हम ये पूरा यूएस और कनाडा का कॉन्सर्ट लेकर आ रहे हैं, वी विल मेक पाकिस्तान प्राउड। जुनून का ह्यूस्टन, डेलिस, न्यू जर्सी, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को में कॉन्सर्ट के साथ साथ टोरंटो में भी शो मुनक्किद किया जाएगा। After the grand success of back-to-back sold-out concerts in Pakistan, UAE, PSL and UK, Nazleen Insurance Agency and Kamal D Entertainment present The Junoon, the comeback tour live in Dallas after 15 years. New York Times calls Junoon the YouTube of South Asia. Wall Street Journal calls them South Asia's answer to Santana. Celebrating Pakistan's biggest rock band, Junoon's 15 years reunion. A grand audio and visual lighting spectacle you will ever witness. Sunday, October 20th, 2019, Curtis Culver Center. We are ready to give you an ecstatic night of fun. Tickets starting at only $39, now available on etix.com. For group reservation or sponsorship, call Shax Entertainment at 469-400-8413. हमारे साथ होंगे, हमारा बताइए। हमें शॉर्टली आ रहे हैं।
बहुत सारा कमाल दिखाने वाले हैं यहाँ डैलस में और उस बैंड को उस ग्रुप को यहाँ लेकर आए हैं जिन्हें देखने की सुनने की सदियों से हमारी ख्वाहिश थी। उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी रेडियो कारवां का शबनम मॉडल जी यहाँ मौजूद है, बहुत सारी तालियां जिनका साथ जिनका ताबुन हमेशा होता है हमारे साथ साथ। राजा जाहिद खान ज़ादा साहब जियो न्यूज जो आप यहाँ देख रहे हैं सारी दुनिया में हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं, बहुत पुरजोश ताली हो जाए राजा खान ज़ादा साहब के लिए। उसके साथ साथ हमारे पास 20 टिकट्स हैं, राइट? 20 टिकट्स हैं जो हम देने वाले हैं आप सब लोगों को ताकि आप के जज्बे और जुनून के साथ इस कॉन्सर्ट को एक यादगार कॉन्सर्ट बनाना है। तो तैयार हो जाए फिर से कुछ सवाल जवाब कुछ जज्बे के साथ साथ। अच्छा तो एक हमारे ये विनर है मीट एंड ग्रीट के बारे में क्या कहना है? बहुत सारे हमारे लोग ऐसे होंगे जिनके दिल धड़क रहे हैं जुनून बैंड से मिलने के लिए। आपका दिल धड़क रहा है? बहुत ज्यादा दिल धड़क रहा है। चले इनका दिल बहुत ज्यादा धड़क रहा है तो आपको एक पहले हमें अच्छा चलो पहले आपको हम एक टिकट दे दें ताकि आपकी दिल की धड़कने थोड़ी सी थम जाए। कौन सा फेवरेट गीत है जो आप सुनना चाहेंगे? संयोनी सिंह क्या है थोड़ा सा और भी खूबसूरत लड़ाएंगे।
हमारे दूर तमाम लोग गेस्ट जो यहाँ आज आए हैं, उनके लिए शुक्रिया। इस शाम को हमने यादगार बनाना है डैलस वालों ने, और वो तमाम लोग जो सारी दुनिया में इस प्रोग्राम को, इस इवेंट को देखने वाले हैं, उन्हें भी बताना है कि डैलस डैलस है ना। बहुत सारा जज्बा, बहुत सारा जुनून है यहाँ पे बनाई। क्या कहना चाहिए? हाँ तो हमने गिव अवे सभी और देने हैं, 24 टिकट्स हैं हमारे पास जो भी हम देना चाह रहे हैं उन तमाम अपने गेस्ट को जो यहाँ पे आए हैं, और कुछ और वीडियोस हैं जो हम आपके लिए यहाँ प्ले करना चाहेंगे, फिर थोड़ी देर में आपसे बातचीत करते हैं। वंस अगेन वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खुश आमदी। आपके पास दम मस्कल अंदर है, लगा लीजिए दम मस्कल अंदर। लेट्स गेट दिस पीपल
I see Kavi G sitting out there. Okay, lots of friends in the city. और आवाज करते हैं शाम का
एक जज्बे के साथ एक जुनून के साथ वो लोग हकीकत में इंसान नहीं होते सिर्फ और सिर्फ इनके लिए इस ग्रुप के लिए वो लोग हकीकत में इंसान नहीं होते जो अजमत इंसान की पहचान नहीं होते और होता है जरा मुश्किल हर काम जमाने में होता है जरा मुश्किल हर काम जमाने में और मंजिल के सभी रास्ते आसान नहीं होते मंजिल के सभी रास्ते आसान नहीं होते खुशामदीद कहते हैं आपको लेट्स गिव देम अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन आपके सामने सबसे पहला मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ हम लोग अभी जियो न्यूज़ का और सिर्फ और बहुत सारे मीडिया इधर आए हुए हैं लोकल मीडिया उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जैसे कि परवेज भाई कारवान हैं एम जी हैं आज़ाद रेडियो हैं और किसी को बोल रहा हूँ सोच है चाको टाइम है मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आप लोग आए और कवरेज दे रहे हैं और हमारे स्पेशली स्पॉन्सर का एक हमारे स्पॉन्सर है जो स्पेशली ह्यूस्टन से आए और उनकी मोहब्बत ये है कि वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए वो इधर डालास आए तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उमर सईद साहब का कि वो आए नॉर्थ वेस्ट म्यूचुअल की तरफ से थैंक यू हमारे साकिया साहब आए और हमारे इधर कश्मीरी भाई भी आए हमारे राजा मुजफ्फर साहब आए हुए हैं और बहुत सारे डिग्री भी आए हुए हैं राजा मुजफ्फर इज द फ्रीडम फाइटर एंड ही इज अ फर्स्ट कजन ऑफ प्रेसिडेंट राइट नाउ हु इज इन कश्मीर राइट नाउ So, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और अब आई थिंक वी विल स्टार्ट द आई वांट टू आस्क कमाल टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट द व्हाटएवर यू वांट ही इज माय पार्टनर वी बोथ डूइंग टुगेदर एंड ही इज अ न्यू किड्स इन अ ब्लॉक सो आई होप ही स्टे आई बीन इन शो बिजनेस फॉर 28 इयर्स सो कमाल जी सबसे पहले थैंक यू आई लाइक टू थैंक माय माइक ब्रदर्स फॉर मेकिंग इट हियर एंड इंशाल्लाह रेहान भाई कुछ हम लोग मिलके काम कर रहे हैं
कि हम लोग ट्राई का बना रहे हैं ट्राई सिटी जिसके अंदर ह्यूस्टन डैलस और ऑस्टिन वी आर वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट दैट विल बी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर बट आप सब की तालियों में रिहान ने ये न्यू रिहान ने काफी शो किए हैं ह्यूस्टन के अंदर बहुत सारे हम लोग ने कॉन्सर्ट किए आई थिंक ओवर 200 प्लस यहाँ कॉन्सर्ट कर चुका है और ये पहली मरतबा है कि ये मैंने रिहान ने इंटरनेशनल टूर शुरू किया है और उन्होंने शुरू किए बहुत अच्छे ग्रुप से जुनून तो आप सब की तालियों में रिहान सिद्दीकी मैं चाहता हूँ कि रिहान सिद्दीकी मैं चाहता हूँ कि आप सब की तालियों में रिहान सिद्दीकी हमको कुछ इस टूर के बारे में बताएं कि ये टूर क्या है उनकी ये किस तरह उनके दिमाग में आया कि ये टूर करें थोड़ा सा एक शॉर्ट के अंदर हमको ये बताएं कि उन्होंने जुनून का टूर करने का क्या किया रियान भाई शुक्रिया बहुत अभी लाइव चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें एज वी स्पीक वी आर लाइव ऑन द वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज टीम ऑफ जियो नेटवर्क अजीम भाई का राजा खानजादा साहब का खासतौर पर वसीम साहब का और पूरे जियो का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जियो की तारीख में कल पहली मरतबा हुआ था कि उनकी पाकिस्तान का जो पीक टाइम है ब्रेकिंग न्यूज़ का एक घंटे के लिए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव थी और आज एज वी स्पीक पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जो इस वक्त आई थिंक पाकिस्तान की ब्रेकिंग न्यूज़ है इट इज़ डैलस फोर्ट वर्थ जुनून प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव एज वी स्पीक ऑन जियो पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जा रहा है बिहाफ ऑफ जुनून 2019 यूएसए कनाडा टूर वी वेलकम यू अब तक आपने हम सबसे सुना मगर जिनको आप सुनने के लिए यहाँ पर आए थे कि ये शो क्यों हो रहा है व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस शो द टूर आई थिंक वी शुड गिव द माइक टू द पीपल दैट यू वांट टू हियर अस्सलाम वालेकुम अच्छा देखिए जी पहले मैं आपको बताऊं मैं जब छोटा था तो सेलिब्रिटीज से मैं दूर भागता था पूछे क्यों इसलिए कि वो कभी भी वक्त पे नहीं पहुंचते थे और आज मैं अपने दोस्तों और भाइयों के बिहाफ में बहुत माजरत खा हूँ बहुत ही ज्यादा माजरत खा हूँ और ये कोई फेक ह्यूमिलिटी नहीं देखे ह्यूस्टन में और यहाँ आने में रास्ते में इतनी ज्यादा ट्रैफिक मिली कि मैं कह रहा था यार हेलीकॉप्टर ही ले लेते यू नो इफ वी हैड नोन कि इतना हमें मिलेगा और उससे ज्यादा तवज्जो मुझे ये है कि माशाल्लाह ये डैलस में इट्स अ मंडे नाइट टुमारो इज अ वर्किंग डे या एंड यू गाइस आर स्टिल हियर यू आर द हीरोज यू आर तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि हम जब अलीगढ़ मैंने ये बैंड शुरू किया यकीन माने एक एल्बम का सोचा था सिर्फ एक एल्बम कर देंगे ठीक है मैं मेडिसिन मैं डॉक्टर बन रहा था ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में थे ब्रायन अमेरिका में थे मैंने कहा एक एल्बम कर दे दिल भर जाएगा और आगे चलेंगे लेकिन वो वाला दिन है और आज का दिन है आप लोगों की वजह से वो एक एल्बम नहीं वो 14 एल्बम्स बन गए तो ये मौसीकी का सफर आपकी वजह से है जो आगे चल रहा है मेरे दोस्त राइट पे रिहान सिद्दीकी इन्होंने जनवरी में फोन किया लेकिन सलमान भाई जुनून का कराची में देखा 25 दिसंबर को रियूनियन मैं लाना चाहता हूँ जुनून को यूएस में इन्होंने कहा सिर्फ एक शो ह्यूस्टन में ठीक है ना हमने एक शो करवा वो एक शो अब कितने बन गए 6 शो बन चुके हैं आपकी वजह से क्योंकि आपका जुनून इतना है कि इनका ह्यूस्टन का जो अरीना है इट कांट होल्ड 80,000 पीपल आपकी वजह से हम लोग हमारी कोशिश जो है हम 20 तारीख को जो अक्टूबर 20th को है जो डैलस में हमारे साथी जो बैठे हैं जो जिनकी दावत की वजह से हम आपके पास आ रहे हैं ये एक तारीखी शो होगा पूछे क्यों तारीखी शो होगा इसलिए ये तारीखी शो इसलिए होगा कि एक मेरा शहीद दोस्त जुनेद जमशेद प्लीज ब्रिंग राउंड ऑफ अप्लॉज जुनेद जमशेद
सन 2016 में चित्राल जाने से पहले जुनैद का मुझे फोन आया और मैं एक स्टोरी अपने दोस्तों के सामने बता चुका हूँ, आपको पहली दफा बताने लगा हूँ। जुनैद चित्राल जाने से पहले मुझे फोन कर रहा था, 2.5 घंटे फोन पे बात करता रहा। उसने उसके अंदर अपनी सब दिल की बातें, हम 19 साल की उम्र से दोस्त हैं, उसने कहा सलमान एक मेरी तरह से रिक्वेस्ट है। क्या यार तुझे अली को ब्रायन को एक बार स्टेज पे मिलने, मुझे नहीं पता था कि आखिरी दफा मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो लास्ट ईयर आपको पता जुनैद गुजर गए 2016 में, लास्ट ईयर अली और मैं इफ्तारी में हम मिले लाहौर में और हमने ये कहा यार कि हमारे फैंस जो हैं, जो हमारे करीब दोस्त हैं, कामी आप बैठे हुए हैं, आप बड़े जुनैद के आपकी बहुत करीब, बिल्कुल जी। और किसके लिए हम आ रहे थे? अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से हमें सब कुछ मिला है। अगर पाकिस्तान ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। तो 20 अक्टूबर का ये शो आपका तारीखी शो होगा। ये पूरा टूर जो है, मैं थैंक अपने दोस्त रेहान सिद्दीकी को कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपना दिल इतना बड़ा किया। आपको पता है कि ही इज द बेस्ट नोन event manager, promoter in the United States for Houston, but for the first time he's become a national promoter, is that correct? And he it's a big undertaking. देखिए ये बहुत बड़ा काम होता है, आप लोगों के बगैर नहीं चल सकता। लेकिन रेहान को मैं शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि इनका जुनून है जो हमें पूरे ये US में लेके जा रहा है। तो ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, दोस्त मेरे बैठे हुए मेरे से बेहतर बोलते हैं, है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जिस तुझ जो करे वो छुए आसमान। और जो भी देरी किया उसको माफ कर दे। सो इंशाल्लाह जैसे साए का सालों के बाद जो मेन चीज है जब पाकिस्तानी जब देखते हैं हम लोग हमारे पाकिस्तान के लोग पराए देश में आके अमेरिका में दूर अपने लोगों से बहुत दूर एंड डू सो वेल, तो वो जो जो फैंस आज से 30 साल पहले जब हमने गाना शुरू किया था तो बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो हमारे करीब एज ग्रुप के थे और कॉलेजेस में जा रहे थे, प्रोफेशनल्स बन रहे थे। अब वो 25-30 साल के बाद हैं, वो इंडस्ट्री कैप्टन बन चुके हैं, यानी कि वो अपने अपने फील्ड्स में बहुत आगे चल रहे हैं और वो हमारे लिए एक स्ट्रेंथ है एज पाकिस्तानी के पाकिस्तान के लोग और से और पढ़े लिखे और सक्सेसफुल इन दिस एवर चेंजिंग वर्ल्ड, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और हमारे जुनून के लिए भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। व्हेन वी सी दोस वेरी सक्सेसफुल पीपल आर फैंस कमिंग टू आर शोज वी फील अ स्पेशल हैप्पीनेस। तो कहते हैं खुद ही को कर खुदा जितना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता दे। तो इस ये एक टाइम है इस वक्त हमें पाकिस्तानियत को अपने मुल्क और कौम के वकार को, जब हमारा मोराल एज अ कंट्री थोड़ा डाउन है इकोनॉमिक्स की वजह से हो, जंग की वजह से हो, कत्लेआम की वजह से हो, कुछ कश्मीर के मसले पर भी चल रहा है तो इकॉनमी भी डाउन है, तो इस ऐसे मौके पे पाकिस्तानियत को का प्रचार करना, एक दूसरों के साथ मिल बैठना, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ पकड़ने का मतलब है कि वी बिकम अ चेन अ स्ट्रेंथ फॉर द होल नेशन। और जो अंदर जो पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं वो आपको ओवरसीज पाकिस्तानी को एक स्ट्रेंथ एक एसेट समझते हैं। तो सो दिस इज दिस कॉन्सेप्ट दिस होल टूर इज अबाउट सेलिब्रेटिंग दैट मोर देन अस द पीपल हु हैव कम ऑफ एज एंड डन वेल इन देयर लाइव्स एंड यू नो हियर वी आर ऑल ऑफ अस यू नो हियर वी आर राइट। थैंक यू सो मच।
pass it on to the room. It is so good to be here back in Dallas again. 13 years ago, Ray Hans, he brought us here and gave us the opportunity to share our music with you. And the pleasure is all ours because as an adopted member of Pakistan, I love I have received from all of you is just beyond words. And we experience that when we play. We just come to play, but the love comes from you. And what a blessing that Brian, can you please tell that story, I think, of Junoon coming back. The story that you told me the other day. Well, it's like an Urdu man. Brian said Urdu. Urdu. It's a very sad story. It's a story of inspiring story also. Well, Urdu the happy part of this is that we're all together again. But when we did take a little hiatus years back, and I came back to America and I was pursuing what I was doing before, teaching, and you had to start somewhere. And so there I was in Long Island and I printed up some flyers, you know, guitar lessons from Brian. And I'm thinking, what kind of marketing is that? So guitar lessons from Brian from Junoon. Ah, that'll do it. So I'm hanging out in the stores and I'm going in. There's a place called Hicksville in Long Island. There's a lot of Pakistani and Indian folk there, a lot of businesses there. And I receive some of that love. Oh, sure, please come in and hang your ad, guitar lessons from Brian from Junoon. And I go into this one store and I said, excuse me, sir, would you mind, you know, just hey, can I hang my thing there? Yeah. And, you know, we're talking. He picks it up, says, Brian from Junoon, says, why are you using Junoon's name? I said, I'm Brian, I'm teaching guitar lessons for the time being. He said, okay. He says, you are not Brian. He says, you are using Junoon's name for your own benefit. You are not Brian. He says, sir, I'm Brian is a big man. Yes, I'm Brian from Junoon. No, I'm not a Brian. You're using his name for your benefit. You are not Brian. You are insulting Brian. You are insulting Junoon. You are insulting the entire Pakistan. You are get out, Carrollton. He kicked me out of his store. So, with the exception of that one man, the love I receive from all of you is really overwhelming. It really is. But, anyway, so things. Here we are. Back together again to bring our music to you, and it's just an unbelievable honor. And I want to thank Ray Hahn for making this possible. He made it possible for us to be here 13 years ago, and things, you know, if it weren't for him, we wouldn't be doing all of this. I mean, we just come to play, and we receive all the love from you guys, but he organizes everything. And there's a lot of moving parts involved in this, a lot of moving motorcycles too. That was pretty cool. And cars and planes. And planes. And again, I apologize for us being late. What can you do? But a lot of people in Texas, a lot of broken in Texas. But anyway, I want to thank Rayon first and foremost, and everyone else who's gone to work behind the scenes to make all of this possible, because it makes it possible for us to just show up and play, share our music and love with you, and get that love that I mentioned before. The honor is all mine. You're not Brian. You're insulting Brian. He's a big man. In Pakistan, Brian Jamaica. Thank you, Chief. आप लोगों के जो भी सवाल हैं, आम्रा will handle that. But before we initiate your questions, I do want to say, Amir Bhai, though, of course, is a very polished and experienced, very professional, reliable, credible promoter in the Dallas Fort Worth market, who's been entertaining people and also doing a lot of community service, and loves Pakistan, and he's hosting this because of his love for Pakistan.
But I'm going to emphasize on the new kid on the block. Yeah. That is this person. Bacha is Coach Diego. During the Houston's press conference, and now Jio पर ये पूरा broadcast हो रहा है worldwide. We did the press conference in Houston last night, but let me tell you one thing: we could not beat Dallas. The welcome we received with over 50 bikers. यहाँ पर जो दो-तीन मिनट का रास्ता होगा, you know, normally you have these. Police department, sheriffs, जो कि traffic को रोकते हैं, ये सारे bikers traffic को रोक रहे हैं। और फिर मस्त बदान की तरह ही, जिस जोश, जिस जज्बे के साथ इन्होंने इज्जत दी है हमारे इन legends को, यकीन करें कि press conference में दाखिल होने से पहले ही इनका दिल खुश हो गया था। About 5 months ago, and he wanted to buy two tickets for a Junoon concert in Houston. We were only having one show. So he said, I'm a Junooni, I need first row ticket, I need meet and greet ticket. And 5 minutes, he just kept going on about Junoon, Junoon. You know that today, from 20 years ago, the people who were 20 years old, but today the people, whatever, 40, 45, 50, whatever that is, we follow them from now on, right? So, एक हमारा लगाव है, लगन है, we have that emotional attachment to Junoon, and that is the reason tomorrow is a working day, and उन सब चीजों को छोड़कर आप लोग यहाँ पर हैं, because of the love we have for them. तो इस to cut the story short, दो टिकट ये बंदा लेने के लिए आया था, मैंने इसको दो shows भेज दिए. तो वहाँ पे मैंने बोला कि यू नो आप डालस में हमारे इस प्रिंसिपल की शिगर्दी में रहिएगा. ये बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, इनकी आवाज़ में जो मिठास है. एंड आई विल एब्सोल्युटली से मेरा रिश्ता इनके साथ पिछले तकरीबन 22 इयर्स का है, और पिछले 22 सालों से ये बंदा मेरे साथ देता आ रहा है. जी गए तो गुड के तुम सिर्फ दो टिकट लेने गए थे. So the reason I asked him to stand up is because Junoon is about the youth to every age group, and today the magnitude of welcome that I saw with the bikers, I honestly feel this generation and this youth and this amazing couple, Lickness G Score, is going to make Dallas very proud in the coming days. Before you know, you're live worldwide on Jio Television, I'll give you that 1 minute of startup to please share your words. I just want to say thank everybody that's here today. Yes, whatever happened, whatever I said is what it is, and I must say that it's because of these two guys right here. If it wasn't for them, I would not be sitting here. I would not be standing here. You know, Rehan Mike said okay, you know, and whatever we meant, you know, he's standing right behind me. He's older brother. Mike, you know, same thing, father figure. You know, he's the man, he's been here for the longest time. And I okay, but मैं की बात कहता हूँ, सुबह जिंदगी में बहुत लगती है, बहुत सीखी है, बहुत समझे हैं. उसी दरख को मीठा फल लगता है जो छुपा हुआ होता है, और आप बहुत अपने आप को कम कर दिए, बिकॉज यू आर वेरी डाउन टू अर्थ. इट्स मच मोर देन दैट, सो थैंक यू वेरी मच. रियली अप्रिशिएट इट. Conference tonight, we do want to let you know that we want to talk about Dallas, because Dallas is one of the biggest Pakistani South Asian market. But let me tell you one thing, Junoon is about everyone. I always say that yes,
हमारी अपनी जो शनाख्त है आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी ही इज अ प्राउड पाकिस्तानी दे आर लेजेंड फ्रॉम पाकिस्तान बट एट द सेम टाइम द लव दैट जुनून हैज फॉर पाकिस्तान इक्वली लव इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका अफगानिस्तान ऑल द कंट्रीज एंड ऑल द डिवर्सिटीज बिकॉज आज जो लोग यहाँ पर आए हैं वो इस मंच पर इसलिए आए हैं बिकॉज वो जुनून को एज अ जुनूनियत फॉलो करते आ रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री देयर फ्रॉम And let me tell you why I decided to host Junoon's national tour. I've had a lot of shows from Sonu, Shriya, Rahat, Atif, from star shows to every show. I don't think today in Pakistan, but you may literally tell me about Junoon, maybe some artists might not like what I'm saying. पर जब उनको वो बात अच्छी नहीं लगती तो फिर जियो हमेशा उसी को ब्रेकिंग न्यूज़ बनाता है और बिलीव इट ऑर नॉट मैं उसी का पैदाइश हूँ ब्रेकिंग न्यूज़ का आई लव एज लॉन्ग एज आप सच बोल रहे हो दिल से बोल रहे हो डजंट मैटर हाउ मच नेगेटिविटी यू हैव बिहाइंड आपकी नीयत साफ है जितनी मर्जी ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी है बनाओ जुनून पाकिस्तान का वो रॉक बैंड है जिनका म्यूजिक जिनके गाने जिनका कॉम्पोजिशन Everything is 100% made in Pakistan. Yeah. इनको इनको किसी भी वर्ल्ड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी अपना नाम बनाने के लिए इनका नाम बनाया है इनके लगन ने और आज लिटरली मैं बोलता हूँ कि एक आर्टिस्ट बता दें ये जो एक आर्टिस्ट बता दें कि आज से 13-14 साल वो जमाना था अली हैदर वाइटल साइन सजाद अली जुनैद जमशेद जुनून Right? That was an era. 20 साल पुराना आज जो हमारे नए जनरेशन के सिंगर्स हैं विद ऑल रिस्पेक्ट आई लव देम आतिफ राहत मगर ये एक वाहिद बैंड है जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में 10,000 से 15,000 लोग खींच रहा है अब पावर ऑफ एंटरटेनमेंट के साथ एंड वी आर वेरी प्राउड टू से Junoon is 100% pure, made in Pakistan. Zindabad! Pakistan! 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 अच्छा मुझे तो नहीं मैं enjoy कर रहा हूँ क्योंकि मुझे tension रास्ते में थी जब वो पहुँच नहीं रहे थे लेकिन आप लोग लगता है family की तरह because I really Love the fact that you're all here. मुझे ये बताएं आप लोग क्या चाहते हैं? क्या सवाल कुछ पूछना चाहते हैं भगवान से? पहले तो आप गुनगुना के Speaking of Pakistan का creation, Pakistan made. You guys are made in Pakistan. Pakistan was made on the basis of unity, love, peace, all of these amazing things. And Pakistan के founding father नाम है इकबाल. And you've spoken about him so many times. And you say that your songs, the lyrics, the songs that you compose. Their foundation is based on the ideology of Allama Iqbal. थोड़ा सा इसके बारे में बताएं. What is it about Allama Iqbal that inspires your creations of these amazing music? So, बहुत ही अहम सवाल. उर्दू में बात करूँगा. जी. बहुत अहम सवाल है आपका. और देखिए, क्योंकि हम लोग बड़े ऐसे वक्त पे हुए और मैं एक ओवरसीज अमेरिकन पाकिस्तानी अमेरिकन हूँ दूर 10,000 मील से पाकिस्तान को देखता रहा ब्रायन के साथ स्कूल के अंदर गिटार प्ले करता था न्यूयॉर्क में तो मेरा तो जिस तरह यहाँ बड़े हो रहे थे कि रॉक म्यूजिक है लेड ज़ेप्पेलिन बीटल्स एरोस्मिथ यू नो कार्लोस सैंटाना इस तरह बनना लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरे अंदर अल्लामा इकबाल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा बुल्ले शाह कवाली उस्ताद यूसुफ फतेह अली खान साहब हमारे से मतलब मैडम नूर जहान ये सारा जो था हमारे घर के अंदर रोज कोई हमारा वो मॉड्स का घर नहीं आना उसमें ना हमें उन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान हमें फख्र है पाकिस्तान में और पाकिस्तान बना आज़ाद हुआ जब मैं मेडिसिन के लिए पाकिस्तान किया डॉक्टरी करने के लिए तो उस दौरान जुनैद जमशेद मेरे दोस्त जो थे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे ठीक है हमारा दूर दराज से वसी किसी कोई ऐसे कोई घराने से ताल्लुक नहीं था ना किसी किसी शोबिज फैमिली से भी ताल्लुक था डॉक्टर्स मेरी फैमिली में डॉक्टर्स या आर्मी में थे सारे लोग लेकिन हमने ये नहीं देखा कि जो यंगस्टर्स हैं वो सिर्फ बॉलीवुड सुनते हैं या वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं
जितने भी हमारे यंगस्टर्स थे ना दे वुड वॉच वीडियो मूवीज जिसपे बॉलीवुड और ये वेस्टर्न म्यूजिक था तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने गाने तश्कील करने की कोशिश करें ठीक है अब ये क्या है अलामा इकबाल की एक सेइंग है दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकतें परवाज में बिगड़ती है इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम दिल से करेंगे ना उसका असर होगा मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ हमने तीन सॉन्ग्स जो फर्स्ट थे जो तीन सॉन्ग्स थे ना जो रिकॉर्ड किए उनमें से एक चेहरा तेरी आंखें और तीसरा एक था जिसके बोल शुएब मंसूर साहब ने लिखे ऐसी जमीन और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ पढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे दिल दिल जान जान पर अच्छा उस वक्त अगर मुझे कोई कहता कि आज डैलस 2019 में मैं बैठ के ये बोल पढ़ूंगा तो ऑडियंस सारे ये हिंसों होंगे प्लस कभी बिलीव ना करेंगे यार हमारा कोई ना एक्सपीरियंस है ना कुछ है लेकिन इससे एक बहुत बड़ी लर्निंग हुई वो ये थी मुल्क के साथ मोहब्बत और दिल से काम करना तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फिल्म के लिए थीम सॉन्ग किया जुनून से और इश्क से मिलती आज़ादी कुर्बानी की बाहों में मिलती आज़ादी बाबा भोले शाह अलामा इकबाल लोग कह रहे हैं कि आप रॉक म्यूजिक में अलामा इकबाल ना गाएं खराब हो जाएगा ये लोग पसंद नहीं करेंगे लेकिन वो ही आज लोग हैं जो 25 दिसंबर कराची में 15,000 लोग खुद ही अली के साथ जमाने के अंदाज खुद ही को खत बुलंद पढ़ रहे हैं दुबई के अंदर 20,000 लोग अभी लंदन में लास्ट संडे को हमने वेम्बली अरीना जो वहाँ के सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस अरीना है सारे लोग एक एक तराने के लफ्ज उनको हिस्से हैं इसका मतलब क्या है That Pakistanis yearn for their own identity, their own culture, and they're proud of it. Just like Indians, you know, unke liye Bollywood wala unki identity hai. Our identity is social justice, Sufiana kalam, and jo Qaid-e-Azam. Dekhen, Qaid-e-Azam ne bahut badi badi baatein ki. Unhone ek baat 11 August ko ye kahi ki you are free to go to your mosques, your temples, your gurdwaras. It is not the business of state. To minorities ki जो रिस्पेक्ट कि हर माइनॉरिटी इक्वल सिटीजन है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर आप लोग आप जो एक फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं कि इज्जत हम ये बताना चाहते हैं कि हम हर पाकिस्तानी की इज्जत करते हैं ना उसकी स्किन ना उसका जेंडर ना उसका दीन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप पाकिस्तानी हैं आप इक्वल सिटीजन हैं और हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं हम आपको This is Sylvie. I'm with Radio Azad. First of all, I want to welcome Junoon to Dallas. We're really excited. Well, my question is, I've been a fan of Junoon ever since, I don't want to say how many years, but many years. How is the Junoon of today different from the Junoon of yesterday? It's 25% more, bigger, fatter. Yeah. 13% more, same price. That's marketing strategy. So that's it. Thanks for the question. I just want to touch a little bit on that as well, too. Something that we experienced in the last shows. You know, those of you who grew up with us. We saw a lot of those people there with their children, and they were singing the songs. So, you know, thanks to all the parents for carrying the torch. But that's a beautiful thing. It proves, you know, Junoon aside, that music is timeless. And if music or art touches the soul, it's a beautiful thing, and it will be passed down. So, that's what's changed. It's now the youngsters that are singing our songs as well too. So that's good. Thanks. Your question.
Thank you, Shivan, for giving me the opportunity. I just had a quick question. Salman, I saw a video where you were talking about when the song Ehtisab was released and the controversy behind it. And I was just drawn in by that story. Do you mind sharing a few words about that? Sure. So, I'll tell you that Jazba Junoon, okay? Jazba Junoon, 1996, when it was this theme song of the Cricket World Cup. So all of a sudden, from kind of like not being in the spotlight, Junoon came into the spotlight. I arrived in Islamabad and I saw this huge poster of the Prime Minister of Pakistan saying, "Hai jazba Junoon to himmat na haar, jis tujh jo kahe woh chhu aasman." And that same day, I saw a Newsweek story about the corruption of our ruling classes. So, you know, it made me think that on the one hand, they want to go up Junoon's tarana to say that Junoon is our voice, but at the same time, they've got all their money and their properties, the Surrey Palace. I don't want to get political because this is not about that, but I did think about it that we should make awareness. So I wrote a song called Intisab. Ali and Najm Shiraz and Nizar Nalani and Shaheen Sher Ali and Shoaib Mansoor, who shot the video. It was the first time that a Pakistani artist had the guts to hold up a mirror to the people who are looting our country. Now, we got banned for 3 years for that. From 1996 to 1999, we were banned. We weren't allowed to come on television or perform. But mashallah, mashallah, mashallah. Meanwhile, they were using our songs. And they were using our songs. And we were banned. Let me interject here. I just want to take this opportunity to make this announcement that Junoon is also here with Sashi Bhai. 23 years later, story, the moral of the story is that the people who banned us are now in jail. Well, one thing I do want to say before Amra, you go to the next question. Dallas is the hub of the media in US because it's got some very strong media players, and one of the biggest media partner for the Junoon Dallas concert is Radio Carrollton. Shabnam Ji is appointing, you know, she's always brought the community together, so it's so nice to have you representing Radio Carrollton tonight. Thank you so much. And mujhe pata hai ki from the time I've been here, one person who's been a straight talker and the voice of Pakistan, someone I have a lot of respect for, is Mr. Parvez Malik. Parvez Malik, so nice to see you here. Thank you. Aapne to sawal aap idhar aake sawal kare, main chahta hu pura Pakistan YouTube par aapko dekhe. Aur Radio Azad, I think that's the youth and one of the most talented voice of Pakistan. Azad, come on, who are you? Is he here? I just saw him a few minutes ago. But anyways, want to recognize him. And you know, these are the people. Khas taur pe, I want to recognize Naheed and Amna, one of my very, very good friends here. Taji, thank you so much for coming to the press conference. All of you people, Bhaijan, hamare celebrity bhi aaye hue hain yahan par. One of, you know, Pakistan ke bade bade artists bhi yahan par pahunch gaye hain. So it's, Dallas is one of the most growing city, and the reason we were going to have one show in Texas, reason we're coming to Dallas is because we have high hopes from Dallas. Ye press con, ye show ho rahe hai 6 shahron mein, magar hum press conference sirf 2 cities mein kar rahe hain, because I think these 2 cities are so powerful that everyone in America and Canada will know about it. We have always loved you, we will always love you. So all the success and power to you. Thank you. Thank you very much. Thank you. I have a question, please. Your name? मैं आपका बहुत कुछ करूँ, आपने कश्मीर के लिए जिस तरह दर्दी का इजहार किया, तो मैं सबसे पहले मनखानी साहब का जहर खाना साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे बुलाया. तो एक वक्त में लोग हमें भी जिन्होंने कहते थे, तो मगर रास्ता मुझे से, तो मैं मुख्तसर ये बात कहूँगा कि फनकारों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, मुल्कों की उत्साहों में आपको कहने का क्या जा सकता है, आपका पैगाम जो
आफाकी है जितना सबकी साहब ने कहा मोहब्बत का पैगाम है। तो हम कश्मीर में इस वक्त तकलीफ में मुबतला है और यकीनन हमारा हुकूमतों से इख्तलाफ जरूर है लेकिन आवाम के साथ ही हमारा हिंदुस्तान की हो पाकिस्तान की हो हम सबसे मोहब्बत करते हैं। तो इसमें मेरी इजाजत से होगी आपसे कि आप क्या कश्मीर के लोगों के लिए भी उनके अमन के लिए आज़ादी के लिए इंसाफ के लिए कोई पैगाम दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर जुनून की जिन्होंने 14 एल्बम्स सुनी है तो हर पहली एल्बम से जीएन एक तराना है पहली एल्बम में, ठीक है। आर लैंड एक अंग्रेजी का गाना दूसरी एल्बम पे था, यानी कि इनकलाब तीसरी एल्बम से लेके इश्क तक सोशल जस्टिस ज्यादातर देखें आर्टिस्ट क्या है प्यार मोहब्बत के गाने गाना चाहते हैं, एंटरटेन करें और चले जाए, ज्यादा इस तरह की गहरी बात नहीं करनी, ठीक है। हमने बाबा बुल्ले शाह को भी जिनकी द सोशल जस्टिस कूट कूट के उनकी शायरी में सोशल जस्टिस है, 300 साल पहले वो ये बातें कर गए। और क्लाइमेट चेंज ये जो गफलत जो सॉन्ग है, तो ये इशू सोशल जस्टिस के क्लाइमेट चेंज के लोगों की एक है हद से बढ़ने लगा जुल्म का सिलसिला, दिल नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, ये सब जो है तराने उन लोगों के लिए हैं जो बंद हैं जिनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही। देखें दुनिया में सिर्फ कश्मीर नहीं फलस्तीन, अगर आप पूरे दुनिया में देखेंगे कि हर किसी ना किसी या औरतों की आवाज़ बंद की जा रही है या पूरे खत्ते में लोगों की आवाज़ बंद की जा रही है, तो हमारा शो जो है ना वो एक किसी मखसूस जो है सूबा या मुल्क या मुल्क पे नहीं है, हम उन सारों की बे आवाज की आवाज है। तो आज हम सबको देना चाहते हैं ये वॉइस टू द वॉइसलेस। और देखिए मैं तो बिलीव करता हूँ कि सारी जो है अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की कुव्वत है, हमारी दुआएं उन सब लोगों के लिए हैं जो आज कैद है और जिनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। मैं खुद एक कश्मीरी हूँ और हमारा ख़ानदान करीबन 100-150 साल पहले पहाड़ों से नीचे उतर आया था, क्योंकि वहाँ पे सुना है कि खाने पीने कुछ नहीं होता था, तो पंजाब में आकर उन्होंने दबा के खाया, अभी हमारा हाल हो गया। लेकिन सुना है कश्मीरी अभी भी बड़े कमज़ोर हैं वहाँ पे, तो सुबह दोपहर शाम पहाड़ों पर चढ़ते हैं। ये एक सीरियस मसला है, ऑब्वियसली एक ह्यूमन सफरिंग है, हम शायद हमारे रिश्तेदार भी हों कोई ना भी हों, इंसानों ने के नाते किसी माँ बहन के ऊपर तो जुल्म होता देखते हैं, कोई बच्चों के ऊपर पथराव हो, कोई किसी को अदा किया जा रहा है। और ये सिलसिला जो है यमन में भी है, इसमें फलस्तीन भी है, इसमें मुस्लिम उम्मा की फौज भी बनी लेकिन कुछ इनके अंदर कोई रिजॉल्व नहीं है, कोई पोलिटिकल विल नहीं है इन लोगों की हेल्प करने के लिए। और यूनाइटेड नेशन है एज टूथलेस एज एनी ऑर्गेनाइजेशन आई हैव एवर सीन, आई मीन कभी भी एक वीटो की पावर, एक वीटो की मार पे वो सफरिंग को प्रोलॉन्ग करी जा रहे एक मुल्क आता है, चाहे वो इंग्लैंड हो या अमेरिका हो या इसराइल हो चाइना हो, पांच मुल्कों के पास ताकत है जी हम हर चीज़ वीटो कर सकते हैं और बात आगे बढ़ी ही नहीं। तो जैसा कि सलमान ने कहा कि हमें उन बे आवाज़ लोगों की आवाज़ कम अज़ कम, अगर आप जुल्म नहीं कर रहे और खामोश हैं तो फिर आप जालिम के साथ हैं, और अगर आप जुल्म को रोकने की कोशिश करेंगे तो शायद आगे जाके खुदा भी आपको माफ़ कर ही दे, लेकिन आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है, आवाज़ बनना भी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको दिखाना जरूरी है कि हम लोग अभी इस दुनिया में जिंदा हैं, जो कि इसको ऐसे नहीं जाने देते। मैं जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि
किसी आर्टिस्ट में आर्टिस्ट्स में गट्स हैं कि ओपन दी जियो ब्रेकिंग न्यूज़ में पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ये बात ऑन रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज़ पे कह सकें। जुनून, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द जस्ट जुनून जी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ राजा साहब राजा मुजफ्फर ये फ्रीडम फाइटर हैं और ये 40 साल से कश्मीर के लिए फाइट कर रहे हैं। इन्होंने बड़े बड़े लीडरों के साथ किया है। अभी भी और ये आज की तारीख में भी फाइट कर रहे हैं, अभी भी ये फाइट कर रहे हैं। लास्ट वीक कश्मीर के जो वजीर आजम आए थे इनके ये कजन हैं, इनके साथ ये थे और ये आजकल बड़े परेशान हैं क्योंकि इनके आधे से ज्यादा साथी मारे जा चुके हैं और जेल में हैं। तो प्लीज प्रे फॉर इट। मैं इसको जो आपका सवाल इतना एक अहम सवाल है और गहरा सवाल है लेकिन मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उसका जो जवाब ये हम इतना दे सकते थे लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपके सब साथियों के साथ हैं और वो सारी माएँ बहने बच्चे हमारी सारी दुआएं आपके साथ। आपकी आवाज में ताकत है, आपकी आवाज में ताकत है। पाकिस्तानी बैंड ने ये दिया मगर इन सब ने आपका साथ दिया। जियो टीवी इनकी तरफ कैमरा खींचे, अगर ये सब इनका साथ दे रहे हैं स्टैंडिंग ओवेशन फॉर कश्मीर एंड And the Geo Breaking News, ladies and gentlemen, Junoon, USA 2009 press conference. Thank you, sir. This is the support of Pakistan for all the Kashmiris. Before we go to our next question, I would love to thank our local sponsors. Without whom, nothing could have happened. First off, thank you so much to Fahad Pipe. Let me interject. I don't want to call them sponsors. They're our partners. I'm hereby, and us, we are just the face of the thing. All these partners have gotten together, and they are the reason why we're doing this show. They are the reasons why this is all of this is happening. Starting from Dallas Palms, right here, who helped us get this venue to make this event possible. Not the only runway. Here. We got Sean Jaffer. He's got the Jaffer Law Firm. He is, as a matter of fact, he was the first person who came up to me and volunteered. He said, "You've got my back." Round of applause for him, please. Sean Jaffer Law Firm. We got Omar from Northwestern Mutual. He drove all the way from Houston today to make it here. You know, he's our biggest sponsor. He's right here for you. Then we got 27 investments, discount power, Malik Jamal. Any representation here? He said he'll send good people. Then we I've got Integrity First Auto, Shazam Bhai. He was the second person I went to, and he said, whatever you want, I got your support, you got my support. So I just want to, you know, thank you, Bhai, right here. Thank you, Bhai, where are you? Thank you. Aapki support hai, aapki alawa ko zindagi, this would not have been possible. We got Naeem Bhai right here from Sakya Law Firm. You know, he's another person who's you know behind us putting this together. Nasir Bhai from Crispy Crunchy Chicken. We got Jagat Bhai. Where is he? Right there. He's the man who's going to put all the photos up on our Facebook page. He's you really want to go follow him? Everybody go follow Jagat Studios. He had a drone out there trying to capture the entrance of Junoon. We got Kez, and last but not the least, I'm pretty sure. Oh no, we got Nazar Bhai right there. He's another partner in Kub, we work together on this all together. And the most important person I want to thank today is Bilal Bhai. He's not here, but Bilal Bhai is the owner of Jimmy's Burger and Porto Peri Peri. Unhone aajka khana, everything he sponsored. He has pledged support. He's a remarkable person. And as all of you know, I just got to know not too long ago.
So I just wanted to take a moment and thank everybody who has, who's not a sponsor, they're all partners. We have Meher's Cake Corner right here. She's the lady, when we moved to Dallas about 5 years ago, she makes homemade cakes, homemade confectioners, whatever it's called. She does that, and she's remarkable. You know, we got her support, and then we got a Bachelor member. You know, she set up a photo booth in the back. She set up the whole decor in this hall. And of course, beautiful. I haven't heard so many pies since MQM days, Continue on to the list, we got Geo News here, of course, as everybody knows, we got Voice of South America, we got Vosa, we got Shabnam Ji from Radio Karaman, we got Hasan Bhai here, of course, from Radio Karaman, we got Radio Azad, Zalbay was here, but he couldn't stand me, I guess. Aisha Ji, she's been with us from the day one. She found out that Junoon ka concert ho raha hai, and she traced me down. She traced me down and she's like, okay, Ji, I want to be a part of it, and how do I do it? So, the best part is that every single one of our partners are high level Junoonis. It's insane. We have a Junoon dream team. So, okay, we can talk and talk and talk. I'd like to get my brothers, for the reason that we came here, it's for you guys and the fact we discovered on stage, you know, 25 December ago, on stage we went, so a kind of khauf bhi tha ki ye log jo hain, ye pata nahi hume accept karenge ya nahi karenge. The moment humne ओ यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है सब 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 रंग चल यही ज़्यादा सुना नहीं चलते रहे हम सदा यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है अली को पैसे नहीं मिलेंगे तो नहीं कहेंगे जैसा कि मैंने कहा कि जुनून अब साशी में भी दस्तयाब यकीन माने कि एक एक पुराना आप लोगों ने हिफ्स किया था लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग डैलस इज गोइंग टू बी द लाउडेस्ट ऑडियंस आर यू विद अस जस्ट डोंट फीड देम बिफोर द शो आई हैव वन रिक्वेस्ट टू मेक यू नो नॉट एज अ पर्सनल प्रमोटर बट एज अ ब्रदर्स टू यू ऑल वी डिडंट डू दैट इन ह्यूस्टन यस्टरडे बट आई वांट टू डू दिस इन डैलस बिकॉज़ वी मेड यू गाइस वेट There's so such a beautiful audience here. Can we do a picture with everyone once we conclude? So, come on, sorry, we need to be married as usual. Sorry, but I will say, please post this on social media. Let everyone know because Junoon is only here for 2 press conferences, and they're flying back to Pakistan tomorrow. So, you can normally. Can I make a request? Okay. आप सारे इधर आ गए आगे खड़े हो जाओ. You want to do that? What's up, individual? That's what I'm going to do. Right? We got this. The individual one? Yeah! But there are a few more questions before we move forward. G. The most powerful news, Soch News. G. So, I'm Radio Azad. I'm Amrik Khan. Pleasure to have you guys here. My question will be in Urdu. One, everyone is very happy. Because I'm one of the fans of school ke zamane ki hai you have no idea us zamane mein ladkiyon ko concert mein nahi jaane diya jata tha aur hum pata nahi kaise concert but today hai but we made it most of your concerts in Karachi to mera sawal ye ki ye union kaise hua
और क्यों दोबारा आपको कैसे दोबारा जुनून हुआ because we all saw you both be performing you know on your own as well और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या सोशल चेंज अब आप लाएंगे जैसे आपने खुद अपने गाने की बात की जमाने के अंदाज जैसे गाने आते रहे अली के बम फटा जैसे गाने रहे हैं तो अब आप क्या सोशल चेंज लेकर आएंगे क्योंकि इस वक्त यूथ को एंगेज होने की जितनी जरूरत है उस मुताबिक तो जरूर बताइएगा शुक्रिया पहला हिस्सा मैं जवाब देता हूँ देखिए हमारी जो फैमिलीज थी ना मेरे बच्चे अली की फैमिली हम लोग व्हाट्सएप पे काफ़ी सालों से इन टच थे मैं तो न्यूयॉर्क में मेरा ब्राइन होते हैं ये लाहौर में होते हैं तो हम इन टच व्हाट्सएप पे तो थे और अली शान जो है जो मैनेजर है अली के वो भी इन टच थे थ्रू सोशल मीडिया समीना मेरी वाइफ डॉक्टर है और जिसे कहते हैं ना मच बेटर हाफ बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज एन एग्जॉस्टेड वुमन एंड अ सरप्राइज्ड वुमन तो उन्होंने उनकी मैं उनको क्रेडिट बहुत ज़्यादा देना चाहता हूँ कि समीना ने अली की फैमिली के साथ ये करना कि देखिए दुनिया में बैंड्स टूटते हैं बीटल्स टूट गए जेनेसिस टूट गए वो टूट गए कभी वापस नहीं आते लेकिन समीना कहती मैं चाह रही थी कि जुनून की स्टोरी टूटने के बिना खत्म हो यूनिटी में खत्म हो यूनिटी का देख रहे हैं इसका मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि चाहे जितनी मर्जी मुसीबतें ना आए फासले ना आए कोशिश करते रहे इफ यू ट्राई हार्ड यू कैन मेक थिंग्स हैपन एंड यू आर द रिजल्ट ऑफ दैट आई मीन इट्स इनक्रेडिबल यू नो मैंने सुन लिया 3 घंटे लोग इंतजार कर रहे हैं पत्थर मारे गए लेकिन शुक्र है आपने पत्थर नहीं फूल थोड़े से फेंके थे तो थैंक यू सो मच Assalamualaikum. My name is Hasan Sumro and I'm a proud Pakistani anchor and of course a radio karma. My question is nothing. First of all, welcome Ali, Salman and Brian. It's very good. You look at Dallas. I recently shifted to 5 months. Now, you had a very good thing to say, Salman. Junoon is my very good friend. And my little request is, he wanted this and maybe we all want this. कि जुनैद की याद में अगर आप तीनों दिल दिल पाकिस्तान गा दो और हम सब खड़े हो तो बच्चों का अभी लास्ट संडे को लंदन वेम्बली अरीना में कितने हजारों लोगों ने ये तराना हमारे साथ किया तो मैं भी ये कोशिश करूंगा आपको सुनाएंगे लेकिन आपको अगर बोल याद है तो आप हमारे साथ ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहां Hello, my name is Ninush and I'm with Soch, the News of Dallas. I would like to welcome all of you to come to Dallas and thank you so much for the organizer. My question is about your first English song, No More. September 11 marked a very dark history of the USA. So my question is what inspired you to write this song and did you have any personal experience? Thank you. So we arrived actually, you know, on October 24th, 2001, Junoon performed the first ever rock concert at the United Nations General Assembly. But when we were told in July that the UN was asking us to do that, we had no clue what was going to happen on September 11th. You know, so when
October came and, you know, we were in New York City, the city where the Twin Towers fell. There was such a bad vibe in the city. It was just sad. Everything was sad. There was this one, Polar Levine was this poet in New York City. He came and gave me a poem. And in that poem, really, he expressed his, you know, fear of the future. I'm missing you no more, I'm breathing you no more. He had written in that poem. So then we went back to Pakistan and I looked at those poetry and I said, maybe if I, you know, in my lungs, through my window, it was really the experience of a New Yorker going through 9/11, right? We were in Karachi at that when that happened. So that song became a kind of a tribute to the people whose lives were lost and also an anthem against terrorism. So No More was an anthem against terrorism. And if you go to YouTube, you can check the video out. It's a song of love, of unity. Go to our next question. Jai Islam Alaikum, Tamam, Aap Tamam Logo, Ami Bhai, or Kehan Bhai, Khas Tarpe. You guys are the best. Thank you very much and welcome you all. My name is Raheem Keshwani and I've been a musician and drummer for the last 20, 23 years and everything. And I love your music. I have grown up playing your music, especially with the bass line, with Brian's playing, and it's so much groove there. It's just, I love it. Do sawal hai. Ek ye ki Pappu Yaar jo gana aap logon ne banaya, uske piche kya reason tha? What is, who is Pappu? ठीक है नंबर वन. ठीक है और दूसरा जो क्वेश्चन है कि आप लोगों का म्यूजिक हम आई एज अ म्यूजिशियन आई प्ले ऑन स्टेज विद डिफरेंट आर्टिस्ट एंड आई लव ऑल ऑफ देम बट देयर्स अ डिस्टिंक्ट साउंड दैट कम्स आउट ऑफ जुनून. इट्स सो मच ग्रूव, इट्स सो मच पंप. जस्ट हम मैं कितने शो में जाता हूँ जो वो साउंड सुनाई नहीं देता आज तक, तो उसके क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? एंड थैंक यू मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग शोज. थैंक यू नाम. हर गाना बस तेज बजाओ था पाले अपनी ओरिजिनल स्पीड से उसको 100 की स्पीड पे गाना चल रहा था, उसको 125 पे कर दो तब फिर काम. और जी अदर क्वेश्चन देखिए. अच्छा मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत हमारे जो दोस्त हैं जो साबिर जफर साहब, उन्होंने नाजिया जुहेब से लेके हर पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए उन्होंने शायरी तश्कील की है. लेकिन उनका मज़े की बात उनकी ये है कि वो सुफियाना कलाम भी लिख सकते हैं और फिर वो जो आम जो हबीब जालिब की शायरी है वो भी लिख सकते हैं उस तरह की. तो पप्पू यार इसलिए लिखा गया कि जब हम जाते थे पाकिस्तान से प्रदेश में तो कुछ पप्पू थे पाकिस्तान में जो हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनको पता था जुनून चला गया पीछे से टी वी पर जाके इनकी बुराइयाँ कर दो. ठीक है, तो साबिर जफर साहब को मैंने कहा जी पंजाबी में ऐसा कुछ दे कि ये सारे पप्पुओं को चुप करा दें हम. ठीक है, तो अगर आप उनको मैं बता तो नहीं सकता वो पप्पू कौन थे, लेकिन बेचारे पता नहीं मुफ्त में दफन हो गए मुझे लगता है वो. और रक्षों के पीछे पप्पू याद करता कहा तू लग जा साड़ी खैर है. ये सारे जो थे ना, इट वॉज अ ट्रिब्यूट टू द स्ट्रीट कल्चर ऑफ पाकिस्तान. Thank you so much. Welcome to all of you. We at Dallas are thrilled and can't wait for your concert. Last question ye hai ki, what's next after the comeback tour? Where's Junoon going to go from here? The 5-year plan. Come back, you are reloaded. Hum log, main to halal gosht ki dukaan khol raha hoon. I think she has a question. Last question will answer yours. Hi, good evening. My name is Shaila and I want to touch base on the Pakistani pop music. Back in the 80s and the 90s, the pop music in Pakistan was booming. There was no competition, no match. At the moment, I feel that there is a bigger platform, bigger avenue for talent to come forward. However, there's a gap.
I want to ask you, why do you feel like there is a gap and what you can do to encourage the youth to come back into Pakistani pop music? So, first of all, let me just say, as someone who is a student of Pakistani culture, Pakistan, despite all the lack of infrastructure, lack of copyright, lack of resources, and all the lack of everything, right? It has been able to create legends like Runa Leela, Alamgir, Sheki, Nazia Zuhaib, Vital Signs, Awaz Group, Kami is here, so many great bands which have come out, you know, Springs, and talent is coming up. Nuri, I could go on and on and on. You must have seen Coke Studio, right? You see talent there. What's lacking, I'll tell you? Two things. One, that the artist wants to become a rock star or a pop star overnight. Nothing happens overnight in life. You gotta bleed for it. You gotta go through the struggle. You know the caterpillar struggles all its life to become a butterfly. Life, whatever you want to do, you have to struggle. So one thing is struggle. Gotta go through the struggle. Secondly, which I'm hoping Prime Minister Imran Khan's government has promised, that it's going to give an infrastructure, provide an infrastructure to the composer, the filmmaker, the lyricist, the performer, which is what protection. Meaning, once you have copyright protection, you can at least earn a certain amount of money from your work, so that you can create, keep creating. And in the end, really, the next 5 years for me and Junoon, I would hope, I keep setting Ali and Bryant new songs. Let's work on this. After the end of this tour, we're going to go into the studio and record some new music, inshallah. This concludes our press conference for tonight on behalf of Shaq's Entertainment and Kamalki Entertainment and all the respected media. I'd like to take this moment to thank Jio Television Network, Azeem Sahab, as well as Raja Khanzada, or Basim all the way in Pakistan, or Puri Jio Team Ka for being our exclusive international sponsor, media partner, just not for US, but Junoon's world tour all the way across from Pakistan, Dubai, UK, and US, Canada. Jio Television ke network ki taraf se ek matlab fir puri Junoon team ki taraf se aap sabka bahut bahut shukriya. Khanzada sahab, maine abhi stage pe ye kaha ki Jio Pakistan ki pehchan hai when it comes to the largest media and most watched television network. Aur aap is pehchan ko different shaharon mein jab aate hain, New York, Chicago, Houston. Houston should be very proud that you are hometown and we are very proud of you for doing what you do. Thank you, Azeem Bhai, for much for all of you. We are coming to you and we are going to do it. Can we have the AB for the Junoon video, please? Thank you. शुक्रिया दोस्तों एक बार फिर जुनून आपके सामने हैं रियान सिद्दीकी शेख्स एंटरटेनमेंट और अमीन मथानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया Success. Back to back solo concert in